दोस्तों आप सभी को राम राम। यहाँ पे बात हो रही है सरकार की और सरकार ने बहुत बड़ी बात ली के देखिएगा यहाँ पे बताई है फ्यूचर इन ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और वो क्या करने वाले हैं ये भी उन्होंने बताया है और सेबी के साथ मिलकर करने वाले हैं। जो जितने भी ट्रेडर हैं या फिर जो स्किलफुल ट्रेडर नहीं है जस्ट ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना पैसा गंवा रहे हैं बहुत काफ़ी टाइम से तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि बड़ा कोई रूल आने वाला है जिससे आपकी कैपेबिलिटी आपकी वर्थ के हिसाब से आपकी हैसियत के हिसाब से हो सकता है आप ट्रेडिंग कर पाओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो निर्मला सीतारमण जी ने देखिएगा क्या कहा है और क्या प्रोग्राम किया जा रहा है क्या रूल प्रोग्राम किया जाएगा क्या रूल आ सकता है वो जानेंगे। उन्होंने पहले तो वार्निंग दे दी है अलार्म दिया है रिटेल ट्रेडर्स को कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जिस तरीके से पैसा खराब कर रहे हैं यानी कि लगातार ये जो अलार्मिंग इंडिकेशन है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लोगों ने एक तरीके का देखेगा कहते नहीं है विदाउट स्किल विदाउट नॉलेज पैसा कमाना है सट्टा खेलना है इस तरीके का एक वो बना दिया एक जगह बना दिया एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट के बैलेंस को मार्केट की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है। और सरकार का मेन फोकस है स्टेबिलिटी चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो चाहे वो देखिएगा आपकी स्टॉक मार्केट में हो चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो जीडीपी को लेकर हो स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दी है वॉर्न्स अगेंस्ट अनचेक्ड रिटेल पार्टिसिपेशन जिस चीज को एकदम अनटच्ड किया जा रहा है ध्यान नहीं दिया जा रहा किनारे किया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। डेरिवेटिव मार्केट में जिस तरीके से लोग पैसा गंवा रहे हैं इस पे उन्होंने एम्फसाइज किया है कि आने वाले टाइम में हमें स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए और इसके लिए कंप्लायंसेस आएंगे विद सेबी वर्क करेंगे देखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है। तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैग करा है रिटेल पार्टिसिपेशन को डेरिवेटिव ट्रेडिंग में डेरिवेटिव मार्केट में आप देख सकते हो और उन्होंने एक बड़ी बात कही है और ये बहुत ही देखिएगा आप जब डेटा स्टडी करते हो तभी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो घर के फाइनेंसेस हैं वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण बर्बाद हो रहे हैं। एनी अनचेक्ड एक्सप्लोजन इन रिटेल ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कैन क्रिएट फ्यूचर चैलेंजेस फॉर द मार्केट यानी कि भविष्य में ये चीज़ चैलेंज क्रिएट कर देगा स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए। और जिस तरीके से घरेलू जो देखेगा पैसे हैं लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके लोग पर्सनल लोन लेके लोग घर के गहने गिरवी रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें पैसा भी नहीं बना रहे वो एक होप में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हम कल को पैसा बनाने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं एट एन इवेंट हेल्ड इन अ बीएससी इन मुंबई लेइंग आउट द विजन फॉर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो आप समझ सकते हैं सरकार का इस पे पूरी तरीके से दिमाग गया है और जो फ्रीक मूवमेंट हो रहे हैं जिससे बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिएगा आप देख ही रहे हो कि अचानक से देखिएगा इतने मोमेंटम में आप थोड़ा दिन चार दिन पैसा कमाते हो और फिर अगले दिन पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। ये फ्रीक मूवमेंट के कारण होता है जब स्टेबिलिटी नहीं होती मार्केट में तब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपील करी है टू बीएससी से अपील करी है कि वर्क करिए सेबी के साथ मिलकर और कंप्लायंसेस के साथ स्टैंडर्ड्स के साथ इंश्योर करिए कॉन्फिडेंस रिमेन इंटैक्ट एंड टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ लिस्टिंग कंपनीज टू। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन सब पे आपको वर्क करना है सरकार ने कहा सेबी के साथ टू वर्क टूगेदर विद सेबी और तब ये रूल आएंगे। और सेबी ने थोड़े दिन बाद पहले कहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप केवाईसी के बेसिस पे पता किया जाएगा कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कुछ बड़ा रूल आने वाला है
ट्रेडर्स के लिए, जिसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जितने भी ट्रेडर हैं, बी अलर्ट ऑन इट। राम राम।